हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर्नाटका बैंक ने अपने शेयर होल्डर के लिए जो डिविडेंड रिकमेंड किया है उसके अमाउंट और रिकॉर्ड डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए 1.80 रुपया पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है 60 रुपए के अराउंड, तो कंपनी ने अपने शेयर प्राइस पर अराउंड 3% का डिविडेंड रिकमेंड किया है। काफी अच्छा डिविडेंड है फ्रेंड, और यह डिविडेंड इनके शेयर होल्डर को तभी मिलेगा जब आने वाली एजीएम में यह डिक्लेयर किया गया। और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी ने फिक्स की है 20 अगस्त 2021। तो यदि आपके डीमैट अकाउंट में 20 अगस्त को यह शेयर होगा तभी आपको 1.80 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। तो जो एक्स डिविडेंड डेट बनी वो बननी चाहिए थी 19 अगस्त, पर 19 अगस्त को है मार्केट में हॉलीडे, तो जो एक्स डिविडेंड डेट बनेगी वो बनेगी 18 अगस्त। और डिविडेंड के लिए जो लास्ट बाइंग डेट बनेगी वो बनेगी 17 अगस्त। तो यदि आपने यह शेयर या उससे पहले खरीदा तभी यह 20 अगस्त तक आपके डीमैट अकाउंट में आ पाएगा और तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। और यदि आपने यह शेयर पहले से खरीदा हुआ है या फिर 17 अगस्त को खरीदा है और आपको डिविडेंड चाहिए, तो आपने यह शेयर एक्स डेट डेट इज 18 अगस्त या उसके बाद बेचना है, 18 अगस्त को बेचोगे तब भी आपको डिविडेंड मिलेगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स।